गिवन आर क्वेश्चन वन ना, यस सर. गिवन आर फोर अरेंजमेंट्स ऑफ थ्री फिक्स्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस. इन ईच अरेंजमेंट each arrangement a point labeled P is also identified as test charge plus Q is placed at point P. okay, test charge ka matlab ye hota hai jab hum field nikalne ke liye koi charge late hain to usko hum log test charge bolte hain. jante hain aap to calculate field jo aap chhota sa charge late hain na usse ko aap test charge bolte hain. kya bolte hain? test charge. ha the purpose of test charge is only to calculate field. theek hai, ye maine aapko bataya tha na ki field kaise nikalte hain, force upon charge nikalte hain na. सर ये अभी बताया नहीं वैसे. इलेक्ट्रिक फील्ड. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने डिफाइन नहीं किया था ना, हमने सिर्फ यस सर फील्ड डिफाइन किया था कि नहीं किया था सर? इलेक्ट्रिक फील्ड अभी डिस्कस नहीं किया हमने. ओके, तो देखो यहाँ पे दो बातें हैं. एक, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है ना, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड? हम लोग लास्ट क्लास में खाली कूलम्स लॉ किया था क्या? यस सर, हमने कूलम्स लॉ पे खत्म किया था. ओके, तो यहाँ पे मैं एक टर्म डिफाइन करूंगा. यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग बात कैसे करते हैं, ठीक है? जैसे मान लो किसी भी रीजन में चार्जेस है, मान लो एक चार्ज है, एक से ज्यादा चार्ज है, तो हाउ डू यू डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट? तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे? सो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानते हैं आप कैसे निकालते हैं? अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो समझिएगा इस बात को. ओके, यस सर. आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन. देखिए, ये आप जैसे मान लो हमने कोई चार्ज रख दिया, ठीक है, जैसे एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, दिख रहा है आपको? यस. ये क्यू वन है, राइट, और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कोई चार्ज क्यू टू है, हो सकता है एक ही रहे, हो सकता है दो हो, सकता है चार पांच भी हो, और यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, ठीक है? यस सर. ओके, और हम ये जानना चाहते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है? Yes, तो sir. कैसे लिखेंगे? तो अगर मान लो मैं क्यू चार्ज यहाँ रख दूं, अब आप जानते हो कि जैसे पॉइंट पी पे अगर मैं क्यू चार्ज रखूंगा, कोई छोटा सा चार्ज लाता हूँ इस पर्पस से, चार्ज कहीं कभी फील्ड निकालने के लिए जो चार्ज लाते हैं, छोटा चार्ज लाते हैं. छोटा क्यों बताओ? क्योंकि हम sure. ये हम किसका फील्ड निकाल रहे हैं? पॉइंट चार्जेस का, मतलब किन चार्जेस का, मतलब वो कैपिटल क्यू वन का और कैपिटल क्यू टू का फील्ड पॉइंट पी पे निकालना चाहते हैं ना? यस सर. तो हम क्या चाहेंगे कि क्यू वन क्यू टू अपना पोजीशन चेंज कर ले या वहीं रहे? सर वहीं पे रहे. तो अगर हम लोग मान लो पॉइंट पी पे बड़ा चार्ज लाएंगे, तो उस बड़े चार्ज का सिग्निफिकेंट फोर्स लगेगा ना क्यू वन क्यू टू पे? यस सर, वो फिर तो कर लेंगे. जब भी कहीं भी फील्ड निकालना होता है, तो फील्ड निकालने के लिए जो चार्ज लाते हैं, छोटा चार्ज लाते हैं, उसको नाम क्या देते हैं हम लोग? नेम इट टेस्ट चार्ज. अच्छा, टेस्ट चार्ज. किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए जो स्मॉल चार्ज लाते हैं, वी नेम इट टेस्ट चार्ज. लिख लो अभी, या अभी लिखना मतलब समझ लो एक बार, फिर लैंग्वेज बाद में दे देंगे, ठीक है? इज दैट क्लियर? तो अब आप ये, जब आप क्यू पे आएंगे, या जो क्यू आप देख रहे होंगे कहाँ है? यस सर, क्यू पर. हाँ, क्यू पे जब हम लोग फोर्स निकालेंगे, तो दो फोर्सेज लगेंगे. किसके वजह से? एक तो कैपिटल क्यू वन की वजह से, मान लो एफ वन लग रहा था, ऐसे लगेगा एफ वन? नहीं. और कैपिटल क्यू टू की वजह से जो फोर्स लगेगा, वो मान लो एफ टू लग रहा है. यानी अगर मान लो खाली कैपिटल क्यू टू होता, तो क्या फोर्स लगता है? एफ टू लगता. यस, एफ टू मान लो ऐसे लग रहा है, दिख रहा है ना? एफ टू एफ वन मैंने बनाया अभी. जी सर, जी सर. तो अभी नेट फोर्स क्या लगेगा स्मॉल क्यू पे? सर उनके बीच में से. हाँ, जो वेक्टर रिजल्टेंट है आप तो जानते हैं ना? हाँ सर. उस तरह से आप वेक्टर रिजल्टेंट निकालोगे, मतलब यहाँ पे जो नेट फोर्स लगेगा क्यू पे, कुछ ऐसे लगेगा. पैरेललोग्राम लॉ से निकालोगे ना भाई? ये नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है स्मॉल क्यू को, अगर मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है? ओके, तो अगर मैं यहीं पे यूनिट चार्ज रखता, तो क्या फोर्स लगता? मतलब स्मॉल क्यू रखने से एफ फोर्स लग रहा है, तो यूनिट चार्ज रखने से क्या फोर्स लगेगा? हाँ बताइए. अगर मैं इस
स्मॉल क्यू रख रहा हूँ तो फोर्स एफ लग रहा है, तो यूनिट चार्ज रखेंगे तो क्या फोर्स लगेगा पॉइंट पी पे, एफ बाई क्यू लगेगा ना। यस समझ में आ रहा है ना सर, ये अभी मतलब मुझे आइडिया नहीं है एफ बाई क्यू 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 हुआ ऐसा, ठीक है। अच्छा मान लो स्मॉल क्यू के जगह पे अगर हम लोग स्मॉल टू क्यू रखते तो क्या होता, स्मॉल टू क्यू ये तो सर फोर्स डबल हो जाता। यस सर, एफ वन भी डबल हो जाता, एफ टू भी डबल हो जाता, तो एफ भी डबल हो जाता ना। और थ्री क्यू रख देते तो ट्रिपल हो जाता, हाफ रख देते तो हाफ हो जाता। यानी हम ये कह सकते हैं ना कि जो F है वो स्मॉल Q के प्रोपोर्शनल है डायरेक्ट। हाँ सर, तो अगर मैं यूनिट चार्ज रख देता, स्मॉल Q ना रख के यूनिट चार्ज रख देता तो क्या फोर्स लगता है, तो यूनिट फोर्स लगता F by Q लगता ना भाई। यस सर, नहीं आ रही बात समझ। अरे अगर मैं फोर्स को डबल कर रहा हूँ, स्मॉल Q को डबल कर रहा हूँ तो फोर्स डबल हो जा रहा है, ट्रिपल कर रहा हूँ तो फोर्स ट्रिपल हो जा रहा है, yes. हाफ कर रहा हूँ तो फोर्स हाफ हो जा रहा है। Yes, sir. स्मॉल क्यू को मैं स्मॉल क्यू को जगह पे यूनिट चार्ज रखता तो फोर्स क्या लगता है, एफ बाय क्यू लगता है ना। Yes. अरे भाई फोर्स तो प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, अगर मैं क्यू नहीं रख के वन रखता तो वन बाई क्यू करना पड़ता ना फोर्स को। जी सर, इसी को हम लोग फील्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं फील्ड। हाँ तो अब हम लोग जब फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्टडी करते हैं ना, जब बहुत सारे चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पे, तो पहले हम लोग फील्ड की बात करते हैं। फील्ड का डिफिनेशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, यस सर, अब लिख लीजिए डिफिनेशन, लिख लीजिए, लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड। हेड सेपरेशन, टू चार्ज पार्टिकल्स ऑफ चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू हैव सेपरेशन बिटवीन देम ए ए। ठीक है, यस सर, टू चार्ज पार्टिकल्स ऑफ चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू हैव सेपरेशन बिटवीन देम क्या, ए ए। ठीक है, यस सर, हाँ। What is the magnitude of the electric field at their midpoint? Is the magnitude of the electric field at their midpoint? यानी क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि अगर मैं ऐसा मान लूँ कि मान लीजिए ये एक चार्ज पार्टिकल है, क्या Q है, हाँ, और ये दूसरा चार्ज पार्टिकल है, क्या ये माइनस क्यू, हाँ नहीं माइनस टू क्यू है ना, क्यू और माइनस क्यू दिया था या क्यू और माइनस टू क्यू दिया था सर, क्यू एंड माइनस क्यू दिया था वैसे, अच्छा क्यू और माइनस क्यू ही दिया है, कोई बात नहीं, फिर जो दिया वही करो। ये मिड पॉइंट मान लो इन दोनों चार्ज पार्टिकल का जो मिड पॉइंट है वो एम है, क्या है M. अच्छा, और इन चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन क्या दिया है, A. ठीक है ना भाई, तो बताइए yes. पॉइंट एम पे फील्ड कितना है, पॉइंट एम पे फील्ड with the net electric field at point M, ये पूछा जा रहा है। Yes. बताइए कैसे निकालेंगे? और direction भी बताइए किधर होगा? Sir, ये तो zero आ रहा है। नहीं, गड़बड़ आ रहा है, ध्यान से सोचो। अरे ये बताओ, जो कैपिटल क्यू है उसकी वजह से पॉइंट एम पे क्या फील्ड आएगा? सर जो कैपिटल क्यू है उसकी वजह से फील्ड आ रहा है के कैपिटल क्यू, हाँ एक सेकंड, फोर के कैपिटल क्यू बाय ए स्क्वायर,
चला रहा है लेफ्ट की राइट सर ये आएगा हमारा राइट अच्छा और माइनस और माइनस क्यू की वजह से क्या आएगा हाँ सर हाँ सर एक सेकेंड तो सर हाँ सर, समझ आ गया हाँ तो बताइए सर ये जगह 8k³/a² और डायरेक्शन किधर आएगा माइनस क्यू की तरफ यस बहुत बढ़िया क्योंकि देखो ये क्योंकि वेक्टर सम है ये ध्यान देना ये मैग्नीट्यूड का सम नहीं है यहाँ कॉमन गलती होती है बच्चे कई बार कर देते हैं वो क्या करते हैं अलग अलग चार्जेज की वजह से फील्ड निकाल के वेक्टर मैग्नीट्यूड का सम कर देते हैं गलत आ जाता है समझ में आया क्योंकि यहाँ पे हाँ कैपिटल सर क्यू की वजह से फील्ड मान लो इवन है तो इवन किधर है राइट की तरफ ऐसे सोचने के लिए अच्छा रहेगा देखो ये ना कैपिटल क्यू तो मान लो कैपिटल क्यू की वजह से पॉइंट एम पे फील्ड है इवन तो इवन किधर है राइट की तरफ ठीक है और कैप माइनस क्यू की वजह से भी इस पे फील्ड अगर मैं ई टू मान लू तो ई टू किधर है तो E2 भी उधर ही जाएगा क्योंकि वो अट्रैक्ट करेगा यस राइट की तरफ ठीक है तो मैग्नीट्यूड वाइज इवन ई टू दोनों बराबर है दोनों राइट की तरफ है यानी नेट फील्ड क्या हो गया हमारा हमारा नेट फील्ड हो गया ई ई इक्वल टू व्हाट टू इवन वेक्टर राइट टू इवन क्यों हो गया E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और सेम डायरेक्शन में हाँ सर तो 2E1 और E1 की वैल्यू अब हम रख देते हैं तो क्या आ रहा है हमारा आंसर राइट डायरेक्शन में अगर हम लोग पॉजिटिव मान लेंगे तो 2 ऑफ k फोर q बाय a बाय 2 का स्क्वायर यस नहीं हाँ सर तो फाइनली आई एम गेटिंग 8 k q बाय a स्क्वायर नहीं राइट की तरफ समझ आया यस सर हाँ अब आइए आप अपने क्वेश्चन पे और आप बताइए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है चलो खोलिए अब नाउ मूव बैक टू योर क्वेश्चन एंड देन टेल मी ठीक है ना भाई सर अब स्क्रीन शो हो रही है हाँ स्क्रीन शो हो रही है स्क्रीन एक बार ये कुछ गड़बड़ हो गया हाँ ठीक है अब स्क्रीन शो करना है ना हाँ तुम बताओ अपना स्क्रीन सक्षम नाउ शो द स्क्रीन आई पुट इट अप टू यू हाँ चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए अब आप खुद बताइए मुझे क्या आंसर होगा नाउ आई थिंक यू आर पोजीशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम गिवन R4 अरेंजमेंट ऑफ 3 पिक्स सर ये हमसे फोर्स का मैग्नीट्यूड मांग रहा तो हमें ये कैसे बताएंगे कौन सा मतलब फोर्स रिपेल कर रहा है मतलब अट्रैक्टिंग फोर्स मतलब किस हिसाब से ये कह रखना रहे कि पड़ेगा जैसे देखो ये पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं सब कुछ हो सकते हैं अच्छा एक सेकेंड तो डिस्टेंस सारे चार्जेस के बीच का सेम है पॉइंट पी का भी जी तो जैसे सर जी पॉइंट पी पे मतलब जहां जहां पॉइंट पी मार्क है वहां पे फील्ड निकाल लो तो ये मान के चलना कि पी पे हमेशा हम सेम टेस्ट चार्ज डाल रहे हैं फोर्स का ऑर्डर क्या होगा मान लो जैसे हर एक चार्जेज के बीच का ना सेपरेशन ए मान लिया क्या मान लिया सेपरेशन नहीं तो केस वन में अगर मैं सेपरेशन ए मान लू और हर एक चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस क्यू मान लेते हैं ठीक है पॉजिटिव है तो प्लस क्यू और जो भी है मतलब टेस्ट जितना भी चार्जेस मार्क है ना यहाँ पे प्लस या माइनस उनका चार्ज सेम होना यानी मान लो कैपिटल क्यू मान लिया हमने ठीक है तो हर एक केस में पॉइंट पी पे फील्ड बताओ और फिर फील्ड से फोर्स को रिलेट करो मतलब फील्ड की बात की जा रही है डिफरेंट केसेस व्हाट आर द फील्ड्स दैट इज द क्वेश्चन
ठीक है, अलग केस केस में फील्ड की वैल्यू क्या है, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। सर इसको वैसे लॉजिकली नहीं देख सकते जैसे कि फर्स्ट केस, लॉजिकली में एक दो तो सेपरेट हो ही जाएगा, जैसे कि फर्स्ट केस में पूरा रिपेल रिपेल करेगा, फर्स्ट केस में सभी का फील्ड एक तरफ आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसमें देख सेकंड केस में जैसे हम लोग बात करेंगे तो सेकंड केस में भी सारे चार्जेस नजदीक है और फील्ड ऐड हो जाएगा, सेकंड केस का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा क्योंकि चार्जेस नजदीक भी आ जाएंगे। और मेरे हिसाब सबसे ज्यादा जो फील्ड आएगा ना वो आएगा टू में, उसके बाद आएगा वन में, उसके बाद फोर में, उसके सबसे कम थ्री में आएगा। मेरे से सी आंसर होना चाहिए क्वालिटेटिवली अगर हम देखे तो, अगर कंफ्यूजन हो रही तो क्वांटिफाई कर लो। ठीक है, यस आ रहा है सुनने सर? फर्स्ट केस में तो हमारा जो वो होगा तीनों, मतलब तीनों उसमें इक्वली डिवाइड हो जाएगा, क्यू बाय थ्री क्यू बाय थ्री क्यू बाय थ्री में। नहीं, टोटल चार्ज हर एक चार्ज कैपिटल क्यू मान लिया ना मैंने। अच्छा, हर एक सेपरेशन का ये मान लिया। अच्छा, बीच में सेपरेशन भी है। हाँ, तो वन का जो फील्ड आएगा ना, वन का फील्ड ये होगा, देखो क्या वन वाले केस मान लो प्लेस चार्ज कैपिटल क्यू मान लेते हैं, ठीक है, yes. और चलो अब मैं अपना शेयर पे चला जाता हूँ, चलो यस सर, यस मेरा नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर अभी तक तो नहीं है। हाँ सर अब आ गया। सर आपका माइक म्यूट है। हेलो सर, आपका माइक म्यूट है। हेलो सर, आपका माइक म्यूट है। अब आ रही आवाज? यस सर।
इट्स ऑन नाउ. सी ठीक है, पहले केस में देख रहा हूं. ये आप तरीका सोचो, समझ लो ठीक है. तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया, मान लो जो भी चार्जेस हैं सभी सेम है ना, तो ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने क्यू रख दिया. क्या दिया? क्यू. यहाँ भी रख दिया कैपिटल क्यू. पहला केस यहाँ भी रख दिया कैपिटल क्यू ठीक है, और यहाँ रख दिया चार्ज स्मॉल क्यू ठीक है. ओके पॉइंट पी नाम दे दिया इसको, तो पॉइंट पी पे फिल बताना है. ये सारे डिस्टेंस सेम है, मान लो ए है ठीक है भाई. यस तो बताओ जो सबसे लेफ्ट क्यू है उससे ये कितना दूर है? सर ये तो 3a दूर है सबसे कोने में. हाँ तो बताओ इसमें फील्ड की 3a है, तो सबसे लेफ्ट साइड वाले की वजह से क्या फील्ड होगा? ओ लेफ्ट साइड वाले की वजह से k क्यू बाय 3a का स्क्वायर. हाँ सर k क्यू बाय 9a स्क्वायर. हाँ ठीक है. अच्छा अब उससे लेफ्ट वाले के वाले से के क्यू बाय सर फिर 1/ एक सेकंड सब 1/4 हो जाएगा उसमें फिर. बिल्कुल. और इसी तरह से कैपिटल क्यू वाले की वजह से तो इसमें 1/1 हो जाएगा. हाँ तो टोटल कितना हुआ? वो ये आ गया ठीक है. ठीक है सर ठीक. ओके ये केस वन हो गया ठीक है. Yes. Okay. Into small q से multiply कर दो तो force आ जाएगा. यानी case case one का force अगर हम f1 कह रहे हैं, तो f1 is this into small q, right? जी सर. इस तरह से case two का बताओ तुम. ये f1 हो गया. ठीक है. Sir case two है plus plus test charge और minus charge. हाँ. नहीं test charge में तो निकालना ही है आपको. Case two का diagram ये होगा ना. क्यू यस क्यू फिर यहाँ पे टेस्ट चार्ज पी और यहाँ पे माइनस क्यू राइट. यस तो ध्यान दीजिए ये भी के क्यू वाई स्क्वायर, ये भी के क्यू वाई स्क्वायर, दोनों एक ही तरफ तो ऐड हो गए. और यहाँ पे तो यहाँ पे एफ टू आ जाएगा. ध्यान देना कैसे आ रहा है. के कैपिटल क्यू मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं राइट की तरफ. ठीक है. बाय ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर आ रहा है. क्या आ रहा है? ठीक है फिर 1/4 प्लस करेंगे. हाँ अब देखो ये 1/a स्क्वायर 1/a स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो 2 आ गया यहाँ पे प्लस 1/4. हाँ सर समझ आ रहा है. यस यस नहीं आया समझ में? आगे सर. अब देखो इन दोनों में कौन ज्यादा है, कंपैरिजन मिल रहा है तुमको? टू. हाँ सर ये तो नीचे वाले ही ज्यादा लग. हाँ ये केस टू. चलो ये सबसे ज्यादा होगा सारे केसेस का. ठीक है इसी तरह से अगला केस का विजुलाइज करो. कर लोगे? यस सर. यानी पॉइंट पी पे नेट फील्ड देख लेना है, उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना है. इस तरह से हम लोग क्वालिटेटिव. तो बेसिकली अब इसमें देखो प्रेजेंटेशन थोड़ा सा मैथमेटिकल कर दिया गया है, लेकिन बेसिक फंडा क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट द फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज एंड मेक देयर अलजेब्रिक सम. तो आजकल ना ऐसे कुछ 50% क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं. अगर मैं इसमें कॉन्सेप्चुअल फंडा देखूं तो क्या है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, यही फॉर्मूला होता है. और एक से ज्यादा फील्ड होगा तो वेक्टर सम करना है. ठीक है. हाँ लेकिन अब जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है और कैलकुलेट कर सकता है वो जल्दी बता देगा. यस सर. ठीक है मुझे जैसे ऊपर से देख के पता चल गया कि सबसे ज्यादा इसी में आएगा देखो. ठीक है और फिर जैसे जैसे हम जा रहे हैं चेंज होता जा रहा है. ठीक है ओके ठीक है. यस हाँ और बताओ सर. अब तो अब इसी में देखो जैसे एक तरफ प्लस क्यू और माइनस क्यू है, मगर तो दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगे तो फील्ड कम, इससे तो कम ही हो जाएगा नहीं? मान लो जैसे यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू रख देते तो क्या होता फील्ड सर कहाँ पे? यहाँ पे मान लो ये यहीं पे अगर मान लो माइनस क्यू डाल देते जैसे ऑप्शन ए में सबसे ऊपर वाले में, मान लो इमीडिएटली स्मॉल क्यू के लेफ्ट साइड में माइनस क्यू डाल देते तो क्या होता, इन दोनों का फील्ड ऑपोजिट चला जाता. यानी ये वाला पार्ट माइनस आ जाता ना यहाँ पे.
यस सॉरी कौन सा माइनस आ जाता है, ये वन वाला माइनस आ जाता नहीं, ये 1/9 प्लस 1/4। और अगर मान लो ये वाला जो क्यू है, जो स्मॉल क्यू के जस्ट राइट साइड में कैपिटल क्यू है, उसको अगर मैं हाँ सर तो वो वन आ जाता, माइनस वन आता। हाँ, और अगर इसको मैं क्यू ही रहने देता और इसको माइनस कर देता तो सर किसको, सेकंड वाले को? हाँ तो सर माइनस 1/4 आ जाता। हाँ, और वो प्लस वन ही रहता। तो अब इसमें हम कंपेरिजन करके बता सकते हैं ना कौन ज्यादा होगा कौन छोटा होगा। जी सर ठीक है, तो इस टाइप से बोल सकते हैं। ठीक है यस सर। हाँ, तो कई बार हमारे पास जो प्रेजेंटेशन आएंगे ना क्वेश्चन के, इस टाइप के आएंगे बेसिकली। अगर मैं इसका फंडा देखूं, इस क्वेश्चन का फंडा बस एक ही है, क्या किसी भी पॉइंट चार्ज का फील्ड क्या होता है, क्योंकि वे आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, हाँ सर। पॉजिटिव होगा तो अभी होगा, नेगेटिव होगा तो क्वार्ट्स होगा, और उसी का अलजेब्रिक सम इन्होंने कर दिया और इस तरह से एक रिजल्ट आ गया। राइट जी सर। हाँ चलो, और कोई डाउट है? नो सर। ओके, और कोई डाउट नहीं है तो चलो आज हम लोग फील्ड को क्वांटिफाई करते हैं। एक क्वेश्चन बस मेरी तरफ से और कर लो उसके बाद। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो जरा। यस सर। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देख लो ध्यान से, जल्दी करना इसको, बस इसी कॉन्सेप्ट को अप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में ये कर लोगे तो उसके बाद सब हो जाएगा तुमसे। ऐसे दिया है, ठीक है, ओके। चार्जेज क्यू माइनस टू क्यू प्लस थ्री क्यू एंड माइनस फोर क्यू। माइनस अगर नहीं डालेंगे तो इसका मतलब चार्ज क्या है, आर प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ एल। ठीक है भाई, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के कॉर्नर पे चार चार्जेस डाल दिए, क्या क्या चार्ज डाले बताओ। Q माइनस टू क्यू, थ्री क्यू एंड माइनस फोर क्यू। ओके, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर बताओ क्या होगा। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आपको। यस सर एक सेकंड करो। के थ्री की और यहाँ पे मैं चलो एक और काम कर लेता हूँ, वेक्टर फॉर्म भी पूछ लेता हूँ तुमसे। यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है ना, ठीक है, इस डायरेक्शन में चलो एक्स मान लेते हैं और इस डायरेक्शन को वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में दो, आई कैप जे कैप टर्म में बताओ, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। यस आई कैप और जे कैप के टर्म में फील्ड क्या होगा, एक सेकंड। 8 4 माइनस 4 के क्यू एल स्क्वायर प्लस
सर इसका तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है माइनस ऑफ 8 KQ बाय L² आई कैप जे कैप क्या? सर, वो वेक्टर फॉर्म बता हाँ तो मैंने एक्स और वाई डाल रखा है ना, देखो ध्यान से उसके हिसाब से बताओ, सही लग रहा है। मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है, मैं लिख दूं क्या आंसर? सर मेरे हिसाब से आंसर शायद, मतलब मैं एम नॉट वेरी श्योर, बट मुझे लग रहा है शायद ये आंसर आ रहा है, 4√2 के क्यू बाय एल स्क्वायर माइनस आई कैप। ये आ रहा आंसर, नीड नेट एट ओ। ये आ रहा है, कैसे आ रहा है देखो, ये बताओ यहाँ पे जो कैपिटल क्यू दिख रहा है तुमको, प्लस कैपिटल क्यू कहाँ है सर, ये सबसे नीचे मतलब कोने वाला और उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट क्या है? 3Q थ्री क्यू। अगर इन दोनों को मिला के इंपैक्ट देखें तो इन दोनों का फील्ड कैंसिल करेगा या ऐड होगा? सर, इन दोनों का फील्ड सर कैंसिल करेगा 2Q कैंसिल की तरफ। करेगा बिल्कुल, यानी अगर इस क्यू और थ्री क्यू का इम्पैक्ट देखे तो ये क्यू और थ्री क्यू का एक क्यू तो कैंसिल कर देगा, दूसरे को तो बचेगा क्या टू क्यू। यानी इसका मैं कंबाइंड इफेक्ट ऐसा मान सकता हूँ कि ये मैं पूरा भूल जाऊं और सोचूं ये थ्री क्यू और क्यू मिला करके क्या है, यहाँ पे खाली टू क्यू है। ठीक है, इस तरह से इधर देखें तो क्या मान सकते हैं, सर उधर भी 2Q आ जाएगा। इधर -4Q पोजिशन पे ना, यस सर, कितना है -2Q आ जाएगा? नहीं, यस नहीं, अब मैं नया डायग्राम बना दूंगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे क्या है -2Q और यहाँ क्या है 2Q इस पॉइंट पे फील्ड बताना ना भाई। 2Q का फील्ड तो ऐसे होगा, मान लो E1 है ये 2Q का, तो -2Q का भी तो डिस्टेंस वही है, तो फील्ड तो इसका भी वही होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड तो वही होगा ना, लेकिन इधर होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड यस इधर होगा, इन दोनों का जब रिजल्टेंट लाएंगे तो इधर आएगा ना भाई, यस इस तरफ नहीं, यस ये cos 45 cos 45, तो 2 cos 45 यानी √2 E1, नेट फील्ड क्या हो गया √2 E1, समझ में आ रहा है? इधर लेफ्ट की तरफ E नेट इज √2 E1, समझ में आ रहा है? हाँ सर, 45। cos 45 तो 1/√2 हुआ, उधर भी cos 45 तो 1/√2 हाँ हुआ, तो ठीक है, तो 2 cos 45 √2 हो गया ना। यानी अब ई वन का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ, ई वन है k 2q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या l/√2, समझ आ रहा है क्या? अरे भाई स्क्वायर का साइड लेंथ का एल है, तो डायगोनल √2 l हुआ ना, यस सर, यस सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस क्या होगा, l/√2 होगा, यस इसका स्क्वायर कर दो, देखो क्या आ गया तुम्हारा, अरे ये √2 जो नीचे है ऊपर जाके 2 बन गया ना, हाँ सर, और एक 2 पहले से ही है ना, पर 2√2 हाँ, तो यहाँ पे 2 × 2 4 हो गया, √2 तो 4√2 हो4 गया ना। और फील्ड, नेट फील्ड है सर किधर? फोर क्यू की मतलब 2 -2Q की तरफ जाएगी। -2Q की तरफ? नहीं, लेफ्ट साइड में है ना। यस सर, अरे भाई -4Q की तरफ नहीं है, किधर है नेट फील्ड, किधर है? अच्छा सर, लेफ्ट साइड। हाँ और लेफ्ट साइड को कौन सा डायरेक्शन दिया है तुमने, माइनस एक्स है ना, हाँ सर, माइनस तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? माइनस आई कैप। हाँ, तो 4√2 KQ / L² - I कैप, दिस इज आंसर, समझ में आया? यस सर, यस ये देखो ये सारे क्वेश्चन जो अभी हमने किए ना, ये वाले, इसके पहले वाले, सब एक ही कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम है, किसके,
इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से जब भी हमको फील्ड निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे, इंडिविजुअल चार्ज का फील्ड निकाल के वेक्टर सम करेंगे, ठीक है भाई? ठीक है सर, ओके डन, यस सर। हाँ अब देखो कुछ की रिजल्ट्स हैं जैसे फील्ड कैलकुलेशन में जिसको हम लोग स्टैंडर्ड की तरह ध्यान रखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क? हाँ तो चलो करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क कैलकुलेट करें। यस सर। हाँ लिखो कॉपी का नाम दो, यहाँ मैं डायग्राम बना देता हूँ, लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ठीक है लाइन चार्ज इन द फॉर्म ऑफ आर्क, लाइन चार्ज इन द फॉर्म एट इट्स सेंटर, एट इट्स कर्वेचर सेंटर, एट इट्स कर्वेचर सेंटर, यस सर, मेकिंग टोटल एंगल फाइ एट सेंटर, मेकिंग टोटल एंगल फाइ एट सेंटर, यस सर, रेडियस आर, रेडियस यस, ठीक है। और लाइन चार्ज का चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है सर? लाइन चार्ज का चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होगा? अच्छा लाइन चार्ज का लेंथ क्या होगा बता सकते हो? मान लो लाइन चार्ज मतलब इस आर्क पे जो टोटल चार्ज है ना, ठीक है, क्यू है, तो आर का लेंथ कितना है सर? आर का लेंथ है क्यू बाय रे, हाँ हाँ आर फाइव है ना। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस इनटू एंगल एट सेंटर, यही होता है ना भाई? यस सर। आर्क लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है? रेडियस इनटू एंगल एट सेंटर इन एसआई यूनिट, मतलब रेडियन। यस। तो अगर टोटल चार्ज क्यू है मान लो और ये आर्क लेंथ हो गया आर फाइव, तो लैम्डा क्या आ गया? क्यू बाय आर फाइव। व्हाट इज लैम्डा सर? इलेक्ट्रिक फील्ड एट नहीं नहीं आर्क, लैम्डा का मतलब है चार्ज पर यूनिट लेंथ। यस सर, लिख लो लैम्डा इज व्हाट? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो देखो तुमको क्या क्या दिया हुआ है, तुमको एक तो लैम्डा दिया हुआ है और आर दिया हुआ और फाई दिया हुआ है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास? लैम्डा है, आर है, फाई है। अच्छा और तुमको ई निकालना है, यही ना? यस। क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, राइट? द रिजल्ट इज, रिजल्ट इज, एक मिनट, ठीक है। तो तुम्हें क्या निकालना है?
हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकालेंगे? यहाँ ना मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, पहले ये रिजल्ट ध्यान रख लेना और इसका कैलकुलेशन मैं तुमको समझा दे रहा हूँ, ठीक है? फॉर्मूला ये है, ई का जो रिजल्ट है वो ये है, ई इक्वल टू के लैम्डा बाय आर, ये लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग होता है, यानी आधी एंगल पे होता है, समझ में आया? बाइसेक्टर पे के लैम्डा बाय आर टू साइन फाइव बाय टू, ये आंसर है। So this is the way in, this is the result for electric field at the center of an arc. Okay, electric field at the center of an arc in the form of line charge. Electric field due to a line charge in form of an arc at its center. ये formula है, ठीक है भाई? अभी आया कैसे इसको देखते हैं, देखें? Yes sir. चलिए, ये जो लाइन जो है जिसके अलोंग ई दिया, वही लाइन ऑफ सिमेट्री है, दिख रहा है क्या? यस सर। ओके, चलो एक तरफ मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ, मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट लिया, ये स्टार्ट किस एंगल पे हुआ? थीटा पे। 5/3 नहीं, 5/2 तो फाइनल एंगल है ना। अच्छा, ये मान लो थीटा पे स्टार्ट हुआ और इसका इस एलिमेंट का जो एंगुलर विड्थ है वो क्या है? डी थीटा। क्या? डी थीटा। थीटा एंगल मतलब सिमेट्री लाइन से थीटा एंगल पे डी थीटा एंगल विड्थ का एक सेक्शन है, तो इसका इसका आर्क लेंथ कितना होगा बता सकते हो तुम? सर इसका आर्क लेंथ सर आर इनटू डी फाइ। आर इनटू डी थीटा ना। अच्छा डी थीटा, हाँ। तो इस पे चार्ज कितना हो गया? तो इस पे हो जाएगा ले क्यू बाय आर डी थीटा, यानी क्यू डी क्यू हो गया लैम्डा आर डी थीटा। इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज अगर मैं dq लिख दूं तो dq क्या हो गया? लैम्डा आर डी थीटा। यस सर। यस नहीं, यस। तो इसकी वजह से जो फील्ड है ना, मान लो वो dE है, तो dE किधर होगा बता सकते हो? अच्छे से इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, तो पॉइंट चार्ज से अवे होता है ना फील्ड। हां सर, इधर होगा। यस राइट। हम्म, और कितने एंगल पे होगा? थीटा एंगल पे ही होगा ना। यस सर, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इस तरफ लूं एक एलिमेंट तो थीटा एंगल पे ही, तो फिर से डी डी उसी थीटा एंगल पे आएगा। हाँ बिल्कुल वैसा ही है ये, तो डी होगा ना। यस। इधर इधर। यस सर। कितने एंगल पे? थीटा। हाँ, ये दोनों मिला दें तो क्या हो जाएगा? नेट फील्ड क्या हो जाएगा? डी एक्स क्या हो जाएगा? सर इनके, क्या मैं इनका एक्स कंपोनेंट ऐड कर देंगे, 2D cos थीटा हो जाएगा? हाँ सर। और डी वाई क्या होगा इन दोनों को मिला के? 2D sin थीटा। अरे भाई जीरो हो जाएगा ना, इसका डी sin थीटा नीचे आएगा, उसका ऊपर आएगा। अच्छा हाँ, यस सर। दोनों को मिला दें तो नेट इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन होगा एक्स के अलोंग ये आएगा ना। यस सर। वाई वाला क्या हो जाएगा? वो तो कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जी सर। अच्छा, अब डी की वैल्यू क्या होगी? डी एक्स मुझे निकालना है, तो कैसे लिखेंगे देखो, टू तो खैर टू ही लिख दिया, तुम्हारा हो गया के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अरे भाई किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से फिल क्या होता है? के इंटू चार्ज इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यस सर। यस, तो के डी क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये हो गया ना? यस सर। नहीं हुआ? जी सर। जी, अब dq की वैल्यू डाल दो, क्या है dq? लैम्डा r फाई d थीटा। अच्छा d थीटा। यस, तो रख दो, तो क्या बन गया ये? क्या ये बन गया 2k लैम्डा बाय r इनटू cos थीटा d थीटा, ये बना? यस yes. ये तो सिर्फ इन दोनों एलिमेंट की वजह से हो गया ना, टोटल निकालना है फिर तो क्या करें? नेट ई एक्स कैसे लिखेंगे? अगर हेलो हेलो हाँ गर्व, हाँ गर्व
हेलो। अरे तुम लोग क्लास आज नहीं रख पाए, मैं बताता हूँ तुमको शाम में, ठीक है? आज तो नहीं है तुम लोग क्लास, ठीक है? तुम लोग क्लास आज नहीं है? ठीक है भाई, क्लियर है? ओके okay, तो बताइए क्या आया? ईएक्स हाँ, ईएक्स कैसे निकालेंगे? ओ अरे ये तो इन दोनों का रिजल्टेंट है ना, ईएक्स कैसे यस लिखेंगे? ईएक्स इज इंटीग्रल डीएक्स। क्या? इंटीग्रल डीएक्स इंटीग्रल डीएक्स, ठीक है भाई? जी सर। यानी क्या 2k लैम्डा बाय आर कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है भाई? यस अच्छा अब एक बात बताइए कि नीचे वाला तो आप साथ साथ ही लिए हो, तो नीचे वाले को नहीं करना। आप थीटा की वैल्यू कहाँ शुरू हो रही है? जीरो शुरू हो रही है, हाँ सर और खत्म कहाँ हो जीरो रही फाइव है? 5/2 पे। समझ बाय आ रहा है? यस सर यस तुम ये पूछ सकते हो यहाँ पे आपने -5/2 to +5/2 क्यों नहीं लिया? नहीं सर हमने हाँ, क्योंकि वहां से स्टार्ट किया ना। क्योंकि नीचे वाला एलिमेंट तो साथ साथ लेते जा रहे हैं, तो उनको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ इसका मतलब नीचे वाला तो साथ साथ लेते जा रहा हूँ ना, तो हाँ सर इसीलिए इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहाँ से यहाँ पहुंच गया, इसका मतलब टोटल आ गया ना हमारे अकाउंट में, जी सर जी तो आंसर क्या हुआ तुम्हारा? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है? सर वो हमारा एक सेकंड सर कॉस साइन थीटा साइन थीटा और लिमिट डाल दो। साइन 0 साइन 5 बाय हाँ सर साइन 5/2 - साइन 0 हाँ, साइन जीरो ठीक साइन है जीरो जो होगा अल्टीमेटली यस सर वही आ ये जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा, याद रखना है तुम्हें, ठीक है ना भाई? क्या करना है? याद रखना है, ठीक है? जी सर ठीक है भाई? यस ओके, तो इस तरह से हम लोग इस फील्ड का रिजल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड सर नोट कर बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा 2 के कॉस थीटा एक्स हेलो, 11 हाँ सक्षम, घर आ रही है आवाज? हाँ अच्छा, आज तो तुम लोग क्लास नहीं रख पाए, मैं सैटरडे से रखूंगा, ठीक है? ठीक डन है, सर यस राइट? यस तो आंसर क्या है तुम्हारा? समझ में आ गया? यानी कभी भी अगर आर्क है तो आर्क का फील्ड क्या होगा? फॉर्मूला? ओके लैम्डा बाय आर इनटू 2 sin 5/2 यहाँ पे फाई रेडियन में लेना है, किसमें लेना है फाई? रेडियन में हाँ, फाई इज एंगल इन द रेडियन, ठीक है भाई? ओके अब एक बात ध्यान दो तुमको, ठीक है? जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखो जरा, एक क्वेश्चन लिखिए, ठीक सर है? चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए रॉड ऑफ लेंथ एल। चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए रॉड ऑफ लेंथ एल। रॉड ऑफ लेंथ एल यस सर ठीक है, नाउ द रॉड इज बेंट इन फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्किल। इज बेंट
नाउ द रॉड इज बेंट इन फॉर्म ऑफ सेमी सर्किल. यस सर. ठीक है. यस. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर नाउ? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्किल? इलेक्ट्रिक मतलब कर्वेचर सेंटर. यस बताइए. क्वेश्चन ये है ठीक है सर, मतलब एक रॉड है, रॉड पे चार्ज कितना दिया हमने Q पूरी उसमें, और रॉड का लेंथ क्या है? रॉड का लेंथ है L. भाई रेडियस R लेंथ. रॉड का लेंथ कितना है? L है, ये दिया है मुझे. ठीक है, तो अगर चार्ज Q है, रॉड का लेंथ L है, तो कैन यू टेल मी कि इसका रेडियस क्या होगा? What will be its radius? Radius, एक सेकंड. एक सेमी सर्किल अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री. फिर से बताओ. What is the angle made by semi circle at its center? एक सेकंड. अच्छा वो तो एंगल इन द सेमी सर्कल. एक सेकंड. अरे भाई मेरे, सेमी सर्कल तुम्हारा जो प्रॉक्टर होता है वो सेमी सर्कल ही होता है ना? यस. तो कितना एंगल बनाता है सेंटर पे? सर 180 डिग्री. हाँ, तो 180 डिग्री को रेडियन में बोलेंगे तो कितना बोलेंगे? सर पाई. पाई. ठीक है, तो बताओ उसका आर्क लेंथ कितना होगा? मान लो रेडियस आर है, तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगा? आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है ना, आर इंटू फाई. फाई इज एंगल इन द रेडियन. तो मैं लिखूंगा पाई आर. पाई आर क्या लिखूंगा? पाई आर. तो पाई आर किसके बराबर हो गया लेंथ के? अरे स्ट्रेट रॉड को ही तो मैंने सेमी सर्कल बना दिया. अच्छा, एल लेंथ था वही, तो अब आर्क लेंथ बन गया. तो आर कितना आ गया तुम्हारा? L by pi. समझ में आया? जी सर जी. ओके. और phi कितना है यहाँ पे? यानी net angle at the center pi है? 180 degree. Pi, radian में pi बोलेंगे, ठीक है ना भाई? Pi, pi. तो तुम्हारा phi हो गया pi, और R क्या हो गया? L by pi. और lambda क्या हो गया? Lambda होता है charge per unit length. तो lambda क्या हो गया? Lambda 2 by. Q by L? Yes. नहीं? Yes sir. अरे L length पे ही तो चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लैम्डा क्या होगा? Q by L हो गया. तो तुम सोचो इस फॉर्मूले में क्या-क्या बताया तुमको? सर हमें लेंथ बताई है, चार्ज बता दिया, रेडियस पता है. हाँ, हमको क्या पता है? लैम्डा पता है, R पता है, और phi पता है. हो गया ना भाई? हाँ सर. और फील्ड एट द सेंटर पूछा है, तो बताइए क्या आंसर होगा? सो व्हाट विल बी द आंसर? सर इसके अगर सेंटर से वो करेंगे तो इसमें दो आर बन रहे, तो दोनों को ऐड कर देंगे. अरे भाई टोटल का ही तो फॉर्मूला है ये. ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का एक साथ फॉर्मूला है ना ये? यस. ये तो नेट पूरे आर की वजह से फील्ड का फॉर्मूला है ना ये? तो जब हम लोग फाई 180 डिग्री ले रहे हैं, तो टोटल ले रहे हैं ना एक तरफ से दूसरी तरफ? फाई जब पाई ले रहे हैं तो पूरा ले रहे हैं ना, एक तरफ थोड़ी ले रहे हैं. क्वार्टर सर्किल थोड़ी ले रहे हैं, सेमी सर्किल ही ले रहे हैं ना पूरा का पूरा? जी सर. बताइए आंसर क्या है आपका, मतलब इस फॉर्मूले में? हाँ मेरा आंसर आया है k lambda pi by l, 2 k lambda pi by l. ये तो चलो k, क्वेश्चन के लैंग्वेज में आंसर देना है. क्वेश्चन के लैंग्वेज में देखो तो तुमको q l और सेमी सर्कल तीन ही चीज दी गई है. अच्छा हां सर, एक सेकंड. तो k lambda की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहां पे? q by l. हमेशा देखो क्वेश्चन में ना आंसर क्वेश्चन के लैंग्वेज में ही होना चाहिए. नहीं तो अगर मुझे ये लिबर्टी मिल जाए किसी भी लैंग्वेज में लिखना है, तो मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल दूंगा. हां सर, मैं पूछूंगा व्हाट इज द इक्वेशन, मैं बोलूंगा फोर्स बाय मास. ठीक है, हैं? और क्वेश्चन में दिया हुआ मान लो फोर्स 10 न्यूटन और मास 5 किलोग्राम, तब ना हम लोग 5 फोर्स 10 / 5 2 न्यूटन
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे, और मान लो मैं अपने टर्म में आंसर देना है तो मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर अपने आप दे दूंगा, क्यों? आईडिया ये है कि आंसर हैज टू बी ऑलवेज इन द टर्म्स ऑफ द, ठीक है, क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन में क्या टर्म दिया हुआ, अभी क्वेश्चन में मुझे क्या दिया, क्यू दिया हुआ, एल दिया हुआ और एंगल एट सेंटर दिया हुआ, यही दिया ना, मतलब सेमी सर्कल दिया हुआ जी सर, हमेशा आंसर को उन्हीं टर्म में लाना पड़े, के हम बाकी कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट आ सकता है आंसर में, उसको कोई दिक्कत नहीं, के आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, के इनटू क्यू बाय एल, और आर क्या निकाला हमने वो रखो यहां पे सर, हमारा फाइनल आंसर है 2k पाई क्यू बाय एल स्क्वायर, हां आर हो गया एल बाय पाई, मुझे भी पता नहीं है, मैं भी एक्चुअली सॉल्व करता हूं तभी मुझे पता चलता है, ठीक है, अब यहां पे मैं डालूंगा 2 इनटू sin पाई बाय 2, समझ में आ रहा है? यस सर, क्यों? तो यू नो पाई बाय 2 1 हो जाता है, तो ये 2 हो गया और ये पाई, तो हाँ क्या आ गया आंसर, 2k पाई हाँ q बाय l स्क्वायर, ये पाई ऊपर चला गया ना, हाँ सर 2 पाई, मेरे हिसाब से आंसर ये आ रहा है 2 पाई इनटू k कैपिटल q बाय l स्क्वायर, राइट? हाँ सर, ये है ना, यस सर, तो दिस इज द आंसर, ठीक है, ओके, तो देखो yes. तो ये जो R का लेंथ है, रिजल्ट है ना, वो बहुत ही पावरफुल रिजल्ट है। एक तो ये है कि R का लेंथ का मतलब क्या हुआ, कोई भी सेमी सर्किल, क्वार्टर सर्किल या कोई भी सर्किल का फॉर्म होगा तो हम फील्ड बता सकते हैं, राइट? जी सर। अच्छा, मतलब कंप्लीट सर्किल के सेंटर पे क्या फील्ड होगा? कंप्लीट सर्किल के सेंटर पे सर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कंप्लीट सर्किल, सर उसका एंगल तो 2 पाई हो जाएगा, सर रेडियस और लेंथ ऑफ मतलब लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, एक सेकंड, कुछ भी मान लो ना, एक सेकंड, सर ये तो जीरो हो जाएगा। यस, बिल्कुल सही, ऐसे भी सोच सकते हो कि हाँ सर, हाँ तो वो सर सीधा वही से आ जाता है, मतलब साइन पाई जीरो होता है तो वही, हाँ, और ऐसे भी देख तो कंप्लीट सर्किल है, तो हर एक एलिमेंट को कैंसिल करने वाला कोई दूसरा एलिमेंट होगा ना, हर एक के डायमेट्रिकली ऑपोजिट कोई एलिमेंट है वो तो कैंसिल कर देगा ना, यस सर, जीरो हो जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है, यस, हाँ प्रदीप क्लास में चाहिए, हेलो हेलो, हाँ क्या ठीक छे, अच्छा अच्छा ठीक छे, चलो क्लास, हाँ क्लास में करेंगे बाद में, डॉक्टर, ठीक है, ठीक है भाई, क्या आंसर आया सर? जीरो, क्लियर हो गया, समझ में आया? यस, फॉर्मूले से तो आ ही रहा है, बाकी अदरवाइज भी हम सीधा बता सकते हैं, पता है, ठीक ना, यानी अब देखो कोई भी सर्किल और सेमी सर्किल, क्वार्टर सर्किल कुछ भी दिया जाए, उसका फील्ड पूछा जाए तो हम बता सकते हैं, राइट? ठीक है, हाँ, राइट, यस सर, सर्किल, सेमी सर्किल, क्वार्टर सर्किल या कोई भी इस टाइप का केस दिया जाए और हमसे फील्ड पूछा जाए तो वी कैन टेल द फील्ड, राइट? यस सर, हाँ, अब एक चीज बस और बताओ, ठीक है भाई, ओके, यस, हाँ, और यानी अब इनका तो कोई कॉम्बिनेशन आप बता ही दोगे, राइट? यस सर, अब देखो बेसिकली ना हमारे पास जो कैलकुलेशन वाला फील्ड, कैलकुलेशन वाला जो पार्ट होता है, दो ही चीजें होती हैं, एक तो आर का फील्ड होता है, ठीक है, और एक होता है, ये ज्यादा हो गया क्या, ओके, एक तो आर का फील्ड होता है और एक होता है इसका क्या, स्ट्रेट लाइन चार्ज का, ठीक है, एंड द स्ट्रेट लाइन चार्ज फील्ड ऑल्सो वी कैन गेट थ्रू द फील्ड ऑफ आर्क, दो तरह के रिजल्ट होते हैं हमारे पास, एक तो स्ट्रेट लाइन चार्ज का, दूसरा क्या, आर्क का, आर्क का, एंड बोथ द फील्ड्स
आई कैन गेट थ्रू आर्क से, है आर्क। हाँ वो कैसे, मतलब स्ट्रेट लाइन चार्ज का ज्यादा तो पॉपुलर जगह फील्ड है, ज्यादातर जो बुक्स वगैरह में दिया हुआ है वो अलग से फार्मूला निकाला हुआ है, बट आई कैन सी द स्ट्रेट लाइन चार्ज फील्ड ऑल्सो एज द रिजल्ट ऑफ एन आर्क। ठीक है सर, वो कैसे, देखो जैसे कोई स्ट्रेट लाइन चार्ज है ना, मतलब यही दो बेसिक रिजल्ट हैं जिनको हम लोग कंबाइन करके बहुत सारे केसेस को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, ओके तो लेट अस सी हाउ इट हैपेंस। ठीक है, जैसे मान लीजिए कितना टाइम बचा हुआ हमारे पास, ज्यादा टाइम है क्या? नहीं सर, एक सेकंड। ओके ज्यादा टाइम नहीं है, तो चलो एक काम करते हैं अभी कुछ केसेस प्रैक्टिस ही कर लेते हैं। ठीक है, एक हमारे पास एक हेक्सागन है, क्या है ये रिजल्ट याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको मैं अगले क्लास में कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, ओके जी सर। देखो तो अभी एक क्वेश्चन लिखो, हेक्सागन है एक, क्या है हेक्सागन, हाँ लिखो, ऑन द कॉर्नर ऑफ ए हेक्सागन ऑफ साइड लेंथ ए, कॉर्नर ऑफ हेक्सागन ऑफ साइड साइड लेंथ ए, यस सर, ठीक है ठीक है, अल्टरनेटली अपोजिट चार्जेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड एट कंसेक्यूटिव कॉर्नर्स, यानी अगर यहाँ Q है तो माइनस Q है, फिर प्लस Q, फिर माइनस Q, फिर प्लस Q, फिर माइनस, साइड लेंथ क्या है A, व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर बता सकते हैं आप, इसमें व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, सर ये तो कैंसिल कर देगा, कैंसिल कर देगा या कैसे कैंसिल कर देगा सर, क्योंकि जब एक मतलब तीनों माइनस क्यू की तरफ जा रहा होगा और तीनों की तरफ से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो रहा है क्या, देखते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, ओके हाँ नेट फील्ड कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है बहुत बढ़िया, क्योंकि देखो ये एक पेयर ऑफ प्लस क्यू माइनस क्यू लेंगे तो माइनस क्यू की तरफ, ये भी माइनस क्यू की तरफ, ये माइनस क्यू, तीन वेक्टर्स अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं और उनके कंजुगेटिव के बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है तो नेट जीरो हो जाता है, नहीं? हाँ सर, हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ठीक है, आप यहाँ पे देखो ये जो प्लस क्यू है और माइनस क्यू है इन दोनों का फील्ड जो है वो इधर आ गया माइनस क्यू की तरफ, राइट, हाँ इस तरह से इस प्लस क्यू और माइनस क्यू का फील्ड इस तरफ आ गया माइनस क्यू, नहीं, और इस प्लस क्यू और माइनस क्यू का फील्ड इस सर माइनस क्यू की तरफ, हाँ अब ये सारे फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है और सारे फील्ड्स के बीच में कंजुगेटिव फील्ड्स के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो ये सब क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द नेट फील्ड एट द सेंटर योर आंसर इज जीरो, जीरो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है ओके और अगर yes, इसी में अगर लगातार एक तरफ प्लस क्यू और एक तरफ माइनस क्यू होता तो लगातार तीन प्लस क्यू होते और लगातार तीन माइनस क्यू होते तो बता सकते थे आप, एक सेकंड प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, हां लगातार तीन प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू होते और लगातार तीन माइनस क्यू होते तो क्यू क्यू माइनस क्यू, सर एक सर इसमें तो फिर माइनस क्यू की तरफ बीच वाले माइनस क्यू की तरफ जाएगा,
सर इसमें जैसे कि एक सेकंड, हाँ सर, सर इसमें मतलब बीच वाले जैसे कि अगर एक तरफ क्यू 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 है, दूसरी तरफ माइनस क्यू क्यू माइनस क्यू है, तो सर सेकंड वाले माइनस क्यू की तरफ जाएगा, हाँ, क्योंकि सर इस तरफ आ जाएगा फील्ड, और फिर हाँ, आंसर तो हो जाते उसके नेट नेट फील्ड की वैल्यू बता दो। सर देखो दोनों के कॉस कॉस थीटा, मतलब दोनों के कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री ऐड कर देंगे अच्छा, उस डायरेक्शन। इसको तुम निकाल के बताना मुझे, और इसका आंसर एक निकालने का बहुत आसान तरीका है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये इसमें तो मुझे पता है ना, यही रिजल्ट है। अभी जो डायग्राम तुम्हारे सामने दिख रहा है उसमें तो पता है ना नेट फील्ड जीरो है। इस माइनस क्यू को मैंने क्या लिख दिया पता है? इस माइनस क्यू को लिख दिया मैंने प्लस क्यू माइनस टू क्यू। अच्छा क्या लिख दिया? प्लस क्यू माइनस टू क्यू, हाँ, या यू कैन से माइनस टू क्यू, ये माइनस क्यू है ना भाई। एक हाँ, तो इसमें प्लस टू क्यू हो जाएगा मिनट, यहाँ पे प्लस क्यू था ना हमारा, ना। तो प्लस टू क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? प्लस क्यू था ना। सर यहाँ पे माइनस क्यू था, उसके ऊपर प्लस क्यू हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे माइनस क्यू ही है ना, तो था। माइनस क्यू को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस टू क्यू माइनस क्यू, यस ठीक है। और यहाँ पे क्या है? प्लस क्यू है, यहाँ पे कितना है? एक तरफ तो माइनस, यहाँ पे माइनस क्यू है ना, हाँ सर, तो माइनस क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस क्यू को मैं लिख सकता हूँ माइनस टू क्यू प्लस क्यू। प्लस क्यू, ठीक है। ठीक है, तो मेरा जो अरेंजमेंट है उस पे ऊपर एक्स्ट्रा यही आया ना, यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ प्लस टू क्यू आ गया और यहाँ माइनस टू क्यू आ गया, सॉरी, यहाँ प्लस टू क्यू आ गया और यहाँ माइनस क्यू आ गया, तो माइनस टू क्यू आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो इन दोनों का ही फील्ड मुझे निकालना है ना, तो यस बस इन दोनों का फील्ड निकाल लेता हूँ, ठीक है। ओके, सर, मतलब थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है। मैं बताऊँ, ये जो माइनस क्यू है ना, माइनस क्यू है ना यहाँ पे, सॉरी, हाँ सर, मतलब सबसे इस नीचे वाले के। हाँ हाँ, यहाँ ये वाला जो माइनस क्यू है, ये सर, इस माइनस क्यू को मैंने क्या कर दिया? सर इस माइनस क्यू को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, नहीं माइनस नहीं टू एक क्यू मिनट, प्लस क्यू। हाँ नहीं, मैंने इस माइनस क्यू की जगह पे ही तो प्लस क्यू कर दिया मैंने, यहाँ मैंने क्या किया, तीनों प्लस क्यू एक साथ है, तो इसको मैंने मान लो इसको प्लस क्यू कर दिया, ये तीनों अच्छा एक साथ सर, है। आपने नीचे टू क्यू ऐड कर दिया, ऊपर टू क्यू माइनस कर दिया। हाँ ठीक है, तो अब मैं इन्हीं दोनों का मैं बस निकाल लेता हूँ, बात खत्म। बाकी ये इसका तो पेयर, इसका तो जीरो ही है ना, हाँ सर, बस, तो उसका निकाल देंगे, ठीक है। बात समझ में आ यस गई? जी सर, ओके, चलिए फिर तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, हम लोग स्ट्रेट लाइन का फील्ड निकालेंगे और उसके कॉम्बिनेशंस को यूज करेंगे, ठीक है। दे आर द पॉपुलर यस कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, चलिए बाय। थैंक यू सर।